अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 30 जनवरी को किस महापुरुष की 73वीं पुण्यतिथि मनाया गया? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद या डी भगत सिंह। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर महिला कमजोर वर्ग की एसपी वीना कुमारी पहुंची भागलपुर की अपराध की समीक्षा। महिला कमजोर वर्ग की एसपी वीना कुमारी भागलपुर के कोतवाली थाना स्थित महिला थाना पहुंची और जिले में महिलाओं पर हो रहे अपराध की समीक्षा की। एसपी ने महिला थाना में दर्ज गंभीर और संगीन मामलों के साथ साथ कई कांडों की समीक्षा की और जिले में महिलाओं और बालिकाओं और छात्राओं पर बढ़ रहे अपराध पर रोकथाम को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया है। महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी को कई कांडों पर अनुसंधान को लेकर चर्चा भी की और जल्द से जल्द पेंडिंग मामलों को निष्पादित किए जाने की बात कही। इस दौरान महिला थाना के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उनके बारे में थाना प्रभारी के साथ थोड़ी जानकारी प्राप्त करना, उनकी किस उनसे जुड़े कांडों की स्थिति की समीक्षा करना, यही मेन उद्देश्य। अयोध्या का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया पौष पूर्णिमा के माँ कौशल्या मेला पूजन के बाद 2 दिवसीय महादंगल का हुआ फाइनल। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत सोहरा पंचायत के कोसी तट के समीप पौष पूर्णिमा मेले में माँ कौशल्या की पूजन एवं हवन के बाद आचार्य कौशल जी के संरक्षण में पंडित मुकेश सहनी द्वारा पूजन विसर्जन के पश्चात शनिवार को स्मृति शेष दरोगा प्रसाद यादव की याद में 2 दिवसीय महादंगल का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के पहलवान ऋषु यादव व भवानीपुर के विपिन पहलवान ने अपने जौहर दिखाए। पुरुष वर्ग में फाइनल में अक्षय पहलवान ने तो महिला पहलवान में बनारस की बबली यादव एवं दिल्ली की खुशबू ने अपनी पहलवानी के करतब दिखाकर जीत का खिताब अपने नाम कर लिया। कुश्ती में सफल पहलवान को मेला कमेटी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बाबत साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि मां कौशल्या के पूजन मां से ही कोसी नदी अपना रौद्र रूप न दिखा पाए और मां का पूजन युगों युगों तक होता रहे, यही श्रद्धालुओं की कामना है। वहीं मौके पर पूर्व राजद प्रत्याशी शैलेश यादव, जिला प्रवक्ता विश्वासा संजय मंडल, मुखिया प्रतिनिधि सह संयोजक अशोक कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया गोसाईगों की बेटी बनी स्कॉटलैंड में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगों की बेटी डॉक्टर रश्मि झा ने ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में जिले का नाम रोशन किया है। वहां डॉक्टर रश्मि को नेशनल हेल्थ सर्विस स्कॉटलैंड के अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग के विभाग का निर्देशक बनाया गया है। मालूम हो कि डॉक्टर रश्मि के पिता गोसाईगों निवासी जीवेश्वर झा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डीजीएम सेल में इंजीनियर थे। रश्मि झा की प्रारंभिक पढ़ाई दुर्गापुर में हुई और उन्होंने 1991 में मुंबई के एएफएमसी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। मेडिकल की पढ़ाई करते हुए भी
रश्मि झा को बेस्ट फीमेल क्रेडिट का अवार्ड दिया गया था। फिलहाल रश्मि झा अपने पति देवजीत के साथ स्कॉटलैंड में ही रहती है। ग्रामीण राकेश रमन झा ने बताया कि बचपन में रश्मि बराबर गांव आती थी। जब भी वह गांव में रहती तो गांव के स्कूल में पढ़ने जरूर आती थी। रश्मि के पिता जीवेश्वर झा वर्तमान में दुर्गापुर में ही रहते हैं। पुत्री की उपलब्धि से वे काफी खुश हैं। दूसरी तरफ गोसाई गांव के ग्रामीणों में भी रश्मि की उपलब्धि पर प्रसन्नता है। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया, राजद ने किया मानव श्रृंखला का निर्माण। राजद प्रवक्ता ने किया दावा, इलाके के किसानों ने दिया भरपूर साथ। गोपालपुर विधानसभा में विपक्षी दलों का महागठबंधन। राज्य में शनिवार को दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला बनाई गई। कृषि कानूनों के विरोध में महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल के नेताओं ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला NH 31 से पंचायत स्तर तक बनाई गई। घटक दलों ने किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन पर धान खरीद की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने, बिहार में मंडियों को फिर से बहाल करने सहित कई मांगों को लेकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया। नवगछिया में इसकी अगुवाई विपक्ष के नेता शैलेश कुमार, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल ने किया। दूसरी ओर अंगरा प्रखंड में आपदा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, शुभम यादव ने, इस्माइलपुर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष लड्डू दास, किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अरविंद दास ने, नगर में अध्यक्ष तनवीर बाबा, नवगछिया प्रखंड में अधिवक्ता हिमांशु यादव के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाई गयी। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला सेमीफाइनल में पचगछिया को पराजित कर बिहपुर की टीम ने फाइनल में मारी एंट्री। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पचगछिया को पराजित करते हुए बिहपुर की टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर गई है। बिहपुर की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 224 रन का टारगेट खड़ा किया। बिहपुर के बल्लेबाज आंसु 41 रन, कुणाल 37 रन जोड़े। जवाब में पचगछिया की टीम 14.3 ओवर में 141 रन बनाकर सिमट गई। मैन ऑफ द मैच बिहपुर के कुणाल को घोषित किया गया। आर्मी से रिटायर शैलेश मिश्रा ने मैन ऑफ द मैच कुणाल को पुरस्कार दिया। शनिवार को निर्णायक के रूप में रंजीत राणा और निक्की सिंह थे। कमेंट्री पर सुनील चटर्जी और राजन ठाकुर थे। स्कोरर की भूमिका में अंजनी सिंह थे। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। रंगरा जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित 9 मामले सामने आए। एक मामले का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। रंगरा थाने में अंचलाधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में शनिवार को जनता दरबार लगाया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित कुल 9 मामले सामने आए। अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि एक मामले का ऑन स्पॉट निष्पादन कर दिया गया है, तो बाकी मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है। जनता दरबार में रंगरा थाने के थाना अध्यक्ष महताब खान समेत पुलिस बलों व अंचल कर्मियों की मौजूदगी देखी गयी। नवगछिया शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन स्तर से तैयारी शुरू, मचा हड़कंप। नवगछिया शहर में अतिक्रमण को लेकर जाम की समस्या को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने शहर में जाम हटाने को लेकर पहल करनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में अनुमंडल प्रशासन के द्वारा नवगछिया नगर पंचायत को शहर की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक निर्देश दिया है। इस संदर्भ में नगर पंचायत द्वारा शनिवार को माइकिंग कर दुकानदारों को सड़क से अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन के द्वारा इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि शहर में जाम की समस्या के मद्देनजर ट्रैफिक नियम लागू किए गए थे। ट्रैफिक नियम के ट्रायल में यह पाया गया कि सड़क का अतिक्रमण
दुकानदारों द्वारा सामान के प्रदर्शन करने के लिए कर लिया जाता है। सड़क के अतिक्रमण होने के कारण शहर की सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है। शहर की सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर नगर पंचायत को यह निर्देश दिया गया है कि वह दुकानदारों को निर्देश दें कि सामान का सड़क पर प्रदर्शन ना करें और अतिक्रमण किए गए सड़क को खुद से हटा लें। 1 फरवरी तक लोगों को खुद से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अगर सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो दुकानदारों को जुर्माना किया जाएगा। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया, एक अनियंत्रित ट्रक ने 4 ट्रकों को किया क्षतिग्रस्त। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक साथ धक्का मारकर 4 ट्रकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अनियंत्रित ट्रक के चालक और खलासी के अलावा दूसरे ट्रक में बैठे चालक खलासी भी आंशिक रूप से घायल हो गए। घायलों ने अपना इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में करवाया है। जानकारी मिली है कि 0 माइल की तरफ से आ रहे ट्रक ने एक के बाद एक कर 4 ट्रकों में धक्का मारकर सबों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके से ट्रक का खलासी भागने में सफल रहा तो चालक को स्थानीय लोगों ने दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। नवगछिया पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि चालक खुद थाने पर आया था और वह घायल भी है। जानकारी दी गई है। घटना पुलिस के संज्ञान में है। नवगछिया में बोले जदयू नेता, महाफेल रहा महागठबंधन का मानव श्रृंखला। नवगछिया संगठन जिला जदयू ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला को पूरी तरह फेल करार दिया है। जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट है। बिहार की जनता जानती है कि किसानों और मजदूरों का भला बिहार को लूटने वाले लोग कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती है। वहीं जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला को महाफेल करार दिया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अग्निशमन विभाग के एक्सपर्ट ने रंगरा पीएससी कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। रंगरा पीएससी में अग्निशमन विभाग के एक्सपर्ट ने पीएससी कर्मियों को आग लगी की घटना पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण दिया। एक्सपर्ट ने बताया कि आग लगी की घटना के बाद किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी उपलब्ध संसाधनों और परंपरागत साधनों का प्रयोग कर आग पर काबू पाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर मनोरंजन कुमार सुमन, लिपिक कंचन कुमार, लेखापाल बबलू कुमार, सुधीर कुमार, रोशन कुमार, बियास कुमार, प्रकाश कुमार आदि मौजूद थे। नवगछिया, जीसीएम ट्रक से 85 पेटी में 2001 बोतल विदेशी शराब बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पद 4 लेन पर एसपी सिंगला धर्मकाटा के समीप जीसीएम ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा की गई कार्रवाई में सफलता मिली है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर झारखंड के धनबाद जिले के झरिया निवासी गुड्डू कुमार रवानी और अनिल साव शामिल हैं। मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक धनश्री बला ने बताया कि सूचना मिली थी कि चौसा भटगामा रोड से एक डीसीएम ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब तस्करी के लिए लाए जा रहे हैं। सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पथ के एसपी सिंगला धर्मकाटा के पास से डीसीएम ट्रक को रोका गया। इसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में डीसीएम ट्रक पर भारी मात्रा में शराब लोड था जिसे बरामद किया गया है। नवगछिया, 2 मोटरसाइकिल में एक ही नंबर का प्रयोग करने वाले युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। नवगछिया स्टेशन रोड से एक ही नंबर पर 2 बाइक उपयोग करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए युवक नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी वरुण कुमार है। जानकारी मिली है कि वरुण कुमार अपराधी प्रवृत्ति का युवक है और एक हत्या के प्रयास मामले में आरोपी भी रहा है।
दूसरी तरफ पिछले दिनों नौगछिया और आसपास के इलाके में हुए आपराधिक वारदातों में भी उक्त युवक के संलिप्त होने की आशंका है। हालांकि पुलिस अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। पुलिस को कदवा मिलन चौक और गोला टोला के स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला है कि खोखा सिंह की हत्या से कुछ देर पहले ही एक अपाची बाइक से दो युवकों को संदिग्ध रूप में घूमते हुए देखा गया था। पुलिस हिरासत में लिए गए वरुण कुमार से सघन पूछताछ कर रही है। गोपालपुर तेरासी मध्य विद्यालय के मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत तेरासी मध्य विद्यालय के मैदान में कारगिल शहीद रतन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विजय क्रिकेट क्लब द्वारा किया गया, जिसमें पंचायत के मुखिया साक्षी कुमारी एवं गणमान्य लोगों द्वारा शहीद रतन सिंह के तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद टूर्नामेंट का उद्घाटन कारगिल शहीद की वीरांगना मीना देवी द्वारा किया गया, जिसमें कटिहार टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। 10 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए, वहीं दूसरी टीम नौगछिया जवाबी में सभी विकेट खोकर 114 रन ही बना पाई। मैन ऑफ द मैच कटिहार के रंजन को दिया गया, जिन्होंने 10 गेंद पर 29 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। नशा का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। स्थानीय विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट कुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787
8250524370। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंते नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।